सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट इनफिनिक्स बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहां पे आपको 15,000 के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, 68 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाले है और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले हैं सिर्फ 15,000 के अंदर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे इन तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों डिवाइस के नाम है इनफिनिक्स हॉट 30 5G। और दोस्तों एक एक करके इसकी सभी फीचर को आप जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगा, अप टू 580 पिक ब्राइटनेस की सपोर्ट। डिस्प्ले काफी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। दोस्तों आप बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक AI लेंस भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6020 5G प्रोसेसर, जिसकी एंटीटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी तगड़े आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। तो इस मोबाइल पे आप गेम भी खेल सकते हो काफी अच्छी तरीके से, फ्री फायर पबजी चल जाएगा, एंटीटू स्कोर काफी सही है। और दोस्तों बात करें 5G बैंड की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10 5G बैंड, अदर बैंड पे आपको 8 या फिर 6 5G बैंड प्रोवाइड करता है, पर इनफिनिक्स इस मोबाइल पे आपको 10 5G बैंड देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अदर सभी फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 रन मिलेगा 113 की साथ। रैम की बात करें तो बेस वेरिएंट पे आपको मिलने वाला है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज, जो काफी सही है। तो दोस्तों आप बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों इसकी जो बेस वेरिएंट है मतलब 4GB 128GB, उसकी प्राइस 11,500 यहाँ पे आप देख सकते हो, पर दोस्तों ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस वो 10,500 आप देख सकते हो। पर दोस्तों जब फ्लिपकार्ट पे सेल चलता है तो ये मोबाइल 10,000 के अंदर भी आ जाता है। तो दोस्तों आप अगर सेल पे खरीदते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे 10,000 के अंदर मिल जाएगा और नॉर्मल टाइम पे आपको 10,500 पे करना होगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अगर 10,000 के आसपास एक 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो इनफिनिक्स के इनफिनिक्स हॉट 30 5G का जरूर जा सकते। तो दोस्तों आप अगर लेना चाहते हो 15,000 के अंदर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन, तो आप इनफिनिक्स के इनफिनिक्स नोट 30 5G के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करके एक एक करके सभी फीचर को इसके जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस आपको एक AI लेंस मिल जाएगा। वही मैं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000 mAh का लार्ज बैटरी विद 45 वाट फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों एक घंटे पे आप आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, इस मोबाइल का आपको मिलने वाला है डुअल स्पीकर विद JBL ट्यूनिंग। हाँ दोस्तों इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी शानदार होने वाली है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Dimensity 6080 5G चिपसेट, जो 6 nm बेस है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 14 5G बैंड, जो इस मोबाइल को काफी अच्छी बना देता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में कोई भी आपको 14 5G बैंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इनफिनिक्स की इस डिवाइस पे आपको मिल रहा है सिर्फ। और दोस्तों बात करो रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB यहाँ पे एक वेरिएंट होगा, जिसकी प्राइस 14,500 है। और दोस्तों जो दूसरी वेरिएंट है वो है 8GB प्लस 256GB, जिसकी प्राइस यहाँ पे आपको 15,500 मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप 1,000 ज्यादा देके जो हायर वेरिएंट है वो ही लेना, वो आपको अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आप अगर कोई भी सेल पे इसे बाय करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। ये जो डिवाइस है 14,000 के अंदर आता है कोई भी सेल पे, तो फ्लिपकार्ट की कोई भी सेल पे आप अगर इसे बाय करते हो तो सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाएगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर।
ये डिवाइस आने वाला इनफिनिक्स की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस इनफिनिक्स हॉट 40i जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। उसके साथ साथ इस डिवाइस की वेट 190 ग्राम होने वाला है। डिवाइस काफी हल्का होगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा मॉडल कुछ हद तक आईफोन जैसा होने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.56 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको 480 की नीट पिक ब्राइटनेस मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस भी दिया गया है। और दोस्तों उसके बाद एक हाइलाइटेड फीचर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसकी जो फ्रंट कैमरा वो आपको 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। हाँ दोस्तों 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा 8000 के अंदर जो काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। और एक काफी अच्छी बात है इस डिवाइस पे आपको फ्रंट और रियर दोनों पे ही फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है जो काफी अच्छी बात है। कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक की T606 एक 4G चिपसेट। हाँ दोस्तों ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है और ये प्रोसेसर एक बजट सेगमेंट की प्रोसेसर है तो परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस ठीक ठाक सा है। आप थोड़ी बहुत गेम प्ले इस डिवाइस पे आप कर सकते हो। उसकी बात इस डिवाइस की सबसे हाइलाइटेड फीचर इसकी रैम रोम है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 8GB रैम और 256GB रोम जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे 8GB 256GB रोम कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा इनफिनिक्स के अलावा। बात करें इस डिवाइस की बैटरी के बारे में तो इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर आपको 10W की फास्ट चार्जिंग मिलता है पर यहाँ पे आपको 18W की मिलने वाला जो एक पॉजिटिव साइड है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा। उसके साथ साथ 3.5mm जैक भी मिलने वाला है। डिवाइस रन होने वाला है 113 और एंड्रॉइड 13 OS पर। तो दोस्तों ये तो का इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो इसकी एक ही वेरिएंट इंडिया पे अवेलेबल है 8GB 256GB तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 9200 है पर ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाता है और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 8200 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। आप अगर बजट सेगमेंट में एक डिवाइस लेना चाहते हो ओवरऑल कैमरा अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा रैम रोम ज्यादा मिल जाए तो इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो। ओवरऑल सभी फीचर आपको काफी अच्छा मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से और काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है ये। तो दोस्तों ये डिवाइस है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोबा 5 प्रो 5G इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक एंड डिजाइन के तो यहाँ पे आपको बैक एकदम ट्रांसपेरेंट मिलेगा एकदम नथिंग जैसा ये और यहाँ पे आपको 3 बड़ा सा LED लाइट भी मिल जाएगा जिसके कलर आप आपके खुद के मुताबिक चेंज कर सकते हो कोई भी कलर पे। और दोस्तों इस लाइट को एज अ नोटिफिकेशन या फिर म्यूजिक की बीट पे भी यूज कर सकते हो जो काफी अच्छी फीचर है। उसके साथ साथ कॉम्प्लीटली गेमिंग लुक भी मिल जाएगा और जो बैक है वो प्लास्टिक का होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसका लुक एंड डिजाइन। अब बात कर लेते हैं इसके सभी फीचर के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विद 580 नीट पीक ब्राइटनेस के साथ। और दोस्तों जैसे कि ये गेमिंग डिवाइस है तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है और जिसकी Antutu स्कोर 4 लाख के आसपास है। तो इस डिवाइस पे आप कोई भी टाइप की गेम खेल सकते हो इजीली। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सेपरेट सा वेपर कूलिंग चेंबर भी मिल जाएगा जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहेंस कर देगा। और दोस्तों बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा बेस ब्रांड पे। वही पे आपको अदर ब्रांड पे 8GB रैम 256GB रोम मिल जाएगा। वही पे बात करें कैमरा की तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। उसके साथ साथ एक 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस भी मिल जाएगा। वही पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक हाईलाइटेड फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलने वाला
5000mAh का लार्ज बैटरी विद 68W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको इंडिया पे यही एक ब्रांड है जो 68W के फास्ट चार्जिंग को प्रोवाइड कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 और iOS 13 पे रन होगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस इंडियन मार्केट पे 14,999 है, मतलब अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग मोबाइल मुझे यही लगता है। तो आप अगर चाहते हो एक गेमिंग डिवाइस उसके साथ साथ काफी अच्छी लुक भी मिल जाए तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस आता है वो आता है आईटेल की तरफ से, आईटेल P55। तो दोस्तों आईटेल ब्रांड को आप ऐसे वैसे मत समझना, ये इन्फिनिक्स की एक सब ब्रांड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि एक 5G डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जिसके एंटीटू स्कोर 4 लाख से भी ज़्यादा है। हाँ दोस्तों, तो इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी अच्छी होने वाले है। इस मोबाइल पे आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हो, फ्री फायर पबजी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ आपको 12GB का रैम मिल जाएगा जहाँ पे 6GB इंटीग्रेटेड है और 6GB आपको वर्चुअल रैम मिलेगा। और दोस्तों 128GB का आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो अदर फीचर में यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.6 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है, तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। उसके साथ साथ बात करें कैमरा की, तो कैमरा इस मोबाइल की काफी तगड़ी होने वाली है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा। उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। एंड्रॉइड 13 इस पे रन होगा। और दोस्तों इस डिवाइस की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाला 2 ईयर की वारंटी। हाँ दोस्तों, 2 साल की वारंटी मिल जाएगा जो काफी अच्छी बात है। दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम में इसकी जो प्राइस वो 10,500 रहता है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसकी जो प्राइस वो 9,000 के आसपास रहता है, तो 9,000 में काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे इस मोबाइल को जरूर ले सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाता है।